बोल यार चल उस बार चल, दुनिया नहीं ये बबल। नहीं खूबसूरत, तू कुछ भूल तो नहीं रही? नहीं, मॉर्निंग वॉक भी कर ली, ग्रीन टी पी ली, सिरम और सनब्लॉक भी लगा ली और मेडिटेट भी कर ली। ना आज तारीख की है? 4 तारीख है। क्यों? बड़ी भैड़ी याददाश्त है तेरी। आपके लिए एक मशवरा है बिल्कुल मुफ्त, आपने हार मुंह सुबह सुबह बादाम खाया कीजिए 7 अदद। नहार मुंह बादाम खान गए, पिक मंगे, फकीर है ना, कुल किराए देते पैसे होते नहीं है, बादाम कहाँ से खाएंगे ये। अब इतने भी बुरे दिन नहीं आए जोजी आंटी, खाती हूँ मैं बादाम। कमाल है, फिर भी आपको याद नहीं रहा कि इस महीने का आपने किराया नहीं दिया। मुस्तकीम साहब, किराया तो 2 दिन पहले दे दिया था। और किसको दिया था किराया? हमें नहीं मिला। और गाल सुन, शाम तक किराया नहीं दिया ना तो मैंने पानी बंद कर देना तुम लोगों का। और हमारी भी अर्ज सुनिए, अगर वाकई शाम तक ना दिया तो हम नीचे बिजली और गैस बंद कर देंगे आपका। मुस्तकीम साहब आप भी? शाबाश मुस्तकीम, इसी बात पे तुम मेरे साथ आज दूध पत्ती पियोगे। अजी बहुत शुक्रिया जोजी बेगम, बहुत शुक्रिया। मैं किराया दे चुकी हूँ नबील को अपने हाथों से कि वो आपको दे दे। पता नहीं किन पुखों को हमने रख लिया है बेबी, हमें नहीं मिला कोई किराया शराया, और जब शाम तक नहीं दिया ना तो तुम लोगों को गुद्दी से पकड़ के मैं बाहर निकालूंगी। जानते नहीं हो जोजी बेगम को तुम लोग, आगे बड़े नकम में साड़ी नसीब में लिखे हुए। इस मुल्क के ना बड़े वो खराब हो गए मुस्तकीम। वो क्या? लोग? लोग नहीं, हालात। मैं तो कहती हूँ हम सब अमेरिका चलते हैं। और बड़ा मजा आएगा वहाँ मोमो। अरे सुना है कि बड़ा खुला डुला माहौल है, मजे करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। वहाँ तो मैंने बस जींसे और पतलूने पहननी है। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया मोमो? मैं तुम्हें ना बुरका ला के दूंगा, टोपी वाला काले रंग का, वो पहन लेना। आज मेरी बहुत बेइज्जती हुई है। हाँ तो और कर अपनी सास की नाफरमानी शुमेला। खूबसूरत माजी। हाँ अपनी खूबसूरत सी सास की और नाफरमानी कर शुमेला, मिल गई ना सजा तुझे। आपका बेटा मेरे लिए किसी सजा से कम नहीं है माजी। अरे भाई अब क्या कर दिया बेचारे नबील ने? बेचारा नबील, उससे बिल्कुल भी ख्याल नहीं है महमूद साहब। अरे इतना तो ख्याल करता है बेचारा। अब काली देखो, अरे हम दोनों को ले गया घुमाने फिराने, हमें शॉपिंग भी कराई है, नए कपड़े दिलवाए उसने, और बाद में ना हमें सीबीयू पे भी ले गया था। हाँ फिर मैं ना ऊंट पे भी बैठी थी, तो बड़ी तेजी से भाग रहा था, उठता मजा आया। और उसके बाद हमने खाना खाया और घर वापस आ गए। क्या उन किराए के पैसों की आप लोगों ने शॉपिंग कर ली, घूम लिए फिर लिए और मुझे बताया भी नहीं? उशबशे किराए के पैसे थे वो। जी जोजी आंटी से बातें सुनकर आ रही हूँ, सब नबील की गलती है। चुप, मेरे पुत्र ने 4 पैसे अपने माँ बाप पे क्या खर्च कर दिया तो तेरे सीने पे वो लौट गई। वो क्या? वो जो रींगते हुए आते हैं ना, लाल बेग। उस मुहावरे में सांप होता है महमूद साहब। हाँ सांप सांप सांप। मेरे पापा के पैसे थे वो यार, इतनी मेहनत से कमाते हैं, अब मैं नहीं मांगूंगी उनसे पैसे। नबील को नौकरी करनी हो बस। बस हर वेले सड़ी रहती है सड़ी मिर्च। अरे वाह वाह क्या अच्छी टी शर्ट खरीदी है यार नबील। ये कहाँ से आई है टी शर्ट नबील? जानू ये ना मेरी एक पुरानी फैन है, उसने नई टी शर्ट भेजी है। कौन सी फैन है तुम्हारी नबील? बुलबुले की फैन जानू, और कौन सी फैन? कुछ तो शर्म करो नबील। जानू शर्म तो बहुत आई थी, मैं तो ले नहीं रहा था, लेकिन मैंने भी गिफ्ट के बदले सेल्फी खिंचवा दी थी उसके साथ। कितने झूठे हो तुम नबील, तुमने ये शॉपिंग किराए के पैसों से की है ना, माजी और महमूद साहब ने सब बता दिया मुझे। अच्छा मेरी शॉपिंग का बता दिया इन्होंने? ये नहीं बताया माजी ने कि 3 सूट 10,000 के उन्होंने लिए और महमूद साहब ने 15,000 का जूता भी लिया। मेरे बेचारे पापा इस महंगाई में भी तुम सब लोगों का खर्चा उठा रहे, बस बहुत हो गया नबी। हाँ जानू काफी हो गया, मतलब शॉपिंग 2-3 महीने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम बस एक काम करो, पापा जी से ना इस महीने का किराया मंगवा। मैं उनसे कुछ नहीं मंगवाऊंगी, तुम बस अब नौकरी करोगे नबील। जानू मैं तुम्हें सच बता दूं, मैं बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं हूँ। मैं भी नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, फिर पापा जी से बोलो कि मेरे लिए एक ऑफिस तैयार करवाए, बड़ी सारी घूमने वाली कुर्सी हो उसमें, उसमें एसी भी होना चाहिए और स्क्रीन जो है ना टीवी की वो कम से कम 50-55 इंच की होनी चाहिए ताकि उसमें मैं गेम खेल सकूं। अच्छा और कुछ? और हाँ तनख्वाह बताऊं तो मैं भूल ही गया, अभी नया नया काम स्टार्ट करो ना, ज्यादा डिमांड नहीं कर सकता, 6-8 लाख में एडजस्ट कर लूंगा। अच्छा अपने भी सोके जानू,
यार देख लो बीवियां किसी हाल में खुश नहीं होती यार। तंग आ गई हूँ, काश मैं इस मुसीबत से निकल सकती किसी तरह। भाई नीलम तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो यही होता हूँ तुम्हारे आसपास। कोकाफ से जरा सब्जी लेने आया था ना, यहाँ सस्ती मिल जाती है, हमारे यहाँ तो बहुत महंगाई हो गई है। तो यहाँ के तुम्हें देखा इतना उदास तो मुझसे रहा नहीं गया, तो सोचा तुमसे बात कर लूं और विजिबल हो जाऊं। देखो इस वक्त मैं बहुत परेशान हूँ, अभी तुम चले जाओ। सब जानता हूँ मैं, तुम अपने नालायक शोहर से तंग आ चुकी हो, कब तक उसके पीछे अपनी जान हलकान करती रहोगी यहाँ किराए के घर में? मालिक मकान की फजूल में इतनी बातें सुननी पड़ती है, मुझसे देखा नहीं जाता नीलम। मैं खूबसूरत हूँ। हाँ तुम खूबसूरत नहीं बहुत खूबसूरत हो और अमीर भी। 300 साल पहले तुम्हारा बाप कोकाफ में एक आलीशान महल छोड़कर गया था, तुम वहां आके आराम से रहो और किसी अच्छे से जिन के साथ सेटल हो जाओ। देखो इस वक्त मेरा दिमाग मत खाओ, मुझे कहीं नहीं जाना। तुम्हें उस निकम में काम चोर शोर से छुटकारा नहीं चाहिए नीलम, इतनी बेइज्जती करते हैं सब तुम्हारी, कसम से मुझसे देखा नहीं जाता। मेरा दिल चाहता है कि तुम्हारे शोहर को मेंढक और वो बड़े से मुंह वाले को पांडा और वो तुम्हारी सास को लुमड़ी बना दूं। मैं भी इन सबसे बहुत तंग हूं, पर क्या करूं, अपने शोहर को छोड़ नहीं सकती ना इसे। तो तुम छोड़ो मत, सुपारी दे दो उसकी। सुपारी? हाँ, कोकाफ का सरकटा जिन सबके सरों की सुपारी लेता है, कहो तो बात करूं मैं। नहीं तुम मेरी किसी और तरह मदद नहीं कर सकते? कर तो सकता हूँ। कैसे? रो साहब, अरे यार क्या तुम हर वक्त मैं मूसा अरे बढ़ गए मैं मूसा। आपने पहले ही बताया। अरे अच्छा आइए ज्योति बाजी, मुस्तकीम साहब और सुनाई। ओ हमें कुछ नहीं सुनाना। एक्सक्यूज मी, मुझे सुनाना है? आप कोई मुझे बताएं कि मैं खरी खरी सुनाऊं कि हरी हरी सुनाऊं? तुम भरी भरी सुनाओ ना, मैं तड़ी तड़ी ना सुना दूं। अब भाई बेगम, हम तो कहते हैं कि इन्हें सड़ी सड़ी सुनाइए, हम यहाँ कुछ सुनने नहीं आए, हम तो ये देखने आए हैं कि आपकी पैकिंग हुई है या नहीं। कौन सी पैकिंग भाई? लो जी, आपको खूबसूरत ने नहीं बताया कि अगर आपने रात तक किराया ना दिया तो ये कार मैंने खाली करा लेना है। जी बाजी, आप किराए की टेंशन मत ले, खूबसूरत ने पापा को फोन कर दिया होगा किराए के लिए। जी नहीं, मैंने पापा को फोन नहीं किया और ना ही करूंगी, क्योंकि मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो खूबसूरत? कोकाफ। कोकाफ किसके साथ? मेरे साथ। ओए जिन? कोई आम जिन नहीं, कोकाफ का सबसे हैंडसम और ताकतवर जिन, जो शहजादी नीलम का आशिक भी है। निहायत खुशी हुई आपको देखकर। वो जानू, तुम इसके साथ कैसे जा सकती हो यार, ये तो तुम्हें जहर लगता था। जहर तो तुम भी मुझे लगते हो नबील, बस अब मैं आप सब लोगों से तंग आ गई हूँ और मैंने फैसला कर लिया कि मैं काफूर के साथ जाऊँ। और तू चली गई तो घर के सारे काम कौन करेगा है? खबरदार, जो मेरी शहजादी को किसी ने काम के लिए कहा वो मेरे साथ कोकाफ जा रही है। चलो शहजादी, जाओ जाके पैकिंग करो, जाओ जानो, कोकाफ हियर वी कम। चलो भी चलो, चलो भी चलो, तुम लोग भी अपनी पैकिंग चेकिंग कर लो, शाम पड़ने से पहले पहले तुम लोगों ने घर खाली करना है। चल मुस्तकीम की तरफ आइए। हाय मुस्तकीम, मैं सोच रही थी ये जो कफूर जिन है ना, हाय ये हमारी 3-4 ख्वाहिशें पूरी करते तो मैं कितनी खुश हो जाऊंगी। जोजी बेगम, आपकी ख्वाहिशें पूरी करते करते हम तो हलकान हो गए, मगर हराम है आप कभी खुश हुई हो। रेंट दे, तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी होती है पिंडियां ते तोरियां बना के, मैं बात कर रही हूँ सोने चांदी के ढेर और रुपए पैसे की। कितने लालची होते हो तुम इंसान भी, इसीलिए मैं अपनी शहजादी नीलम को यहाँ से दूर लेकर जाऊंगा। कफूर भाई, मेरे पास ना आपके लिए बड़ी कोई चंगी ऑफर है। वो क्या? ऊपर वालों को तो मैंने शाम तक ऐसे ही कार से तक्के दे के निकाल देना है, क्यों ना आप और खूबसूरत इधर ही रह लें।
क्यों नहीं क्यों नहीं, और वैसे भी वो बहुत ही नाजुक मिजाज है, वहाँ के हैबतनाक जिनों को देखकर वो वहाँ रह नहीं पाएंगी, डर जाएंगी वो। बात में दम है। ठीक है, मैं तैयार हूँ। जब ये लोग घर से चले जाएंगे तो मैं अपनी नीलम को गोकाक से वापस ले आऊंगा। तब तक वहाँ पे अपने महल में रहेगी दो चार दिन आराम से। जी जी, क्यों नहीं क्यों नहीं। तब तक जरा किराया करूया ना तय कर ले। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं होते। हाँ, सोने की अशरफिया होती है। जी, सोने की अशरफिया। तो बोलो कितनी चाहिए। 100-200 अपने कद काट के हिसाब से दे दें जी, अपनी खुशी से। जनाबे मोहतरम, ये आपका अपना ही तो घर है। लो फिर, इसका मतलब डन हो गया। तुम बता के नहीं हंस सकते हो, और ये हंसते क्यों हर दफा। क्योंकि जमाना कदीम से जिनों की एंट्री ऐसे ही होती है। लेकिन छोड़ो, तुम्हें आस्ते आस्ते आदत हो जाएगी नीलम। हमारा प्लान कोई काम नहीं कर रहा काफूर, नबील अभी तक मुझसे बात करने नहीं आया। देखो, उसे इतनी आसानी से यकीन नहीं आएगा। जब तक उसे पूरी तरह यकीन नहीं आ जाए कि तुम मेरे प्यार में पागल हो चुकी हो, वो माफी क्यों मांगेगा भला। अरे, सबके सामने कह तो दिया तुम्हारे साथ जा रही हूँ काफूर, अब और क्या करूँ मैं। मेरे ख्याल से तुम्हें मेरे साथ एक आध रोमांटिक डांस कर लेना चाहिए, फिर यकीन आ जाएगा। शट अप काफूर। मुझे भी शट अप कह रही हो तुम, ऐसे मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। अच्छा ठीक है, चलती हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन ज्यादा फ्री नहीं होना मेरे साथ। नहीं हूंगा, बिल्कुल नहीं हूंगा। तुम चलो तो सही, चलो तो सही, शक्कर वंडा चलो तो सही, शक्कर वंडा चलो तो सही, शक्कर वंडा नहीं हूँ। तुझे खुदा का वास्ता, चला जा मेरी जिंदगी से यार। क्यों मेरा हंसता बस्ता घर बर्बाद कर रहा है। कौन सा हंसता बस्ता घर, हर वक्त तो लड़ते रहते हो तुम दोनों। अरे भाई, लड़ाई तो हर घर में होती है यार, इसका मतलब हरगिज नहीं है कि मैं अपनी बीवी को कोकाव जाने दूं। अब कुछ नहीं हो सकता, कोकाव का सबसे ऊंचा पहाड़ कोसिया मैंने बुक करवा लिया है। वो किस लिए? हमारी डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए, और किसके लिए। काबूर, तुझे क्या हो गया पगले, वो मेरी बीवी है। हाँ, तो वो तुम्हारे मुंह पे मारेगी। क्या चांटा? नहीं, चांटा नहीं, तलाक, तलाक तुम्हारे मुंह पे मारेगी बहुत जोर से। ठीक है, अगर तू ऐसा करेगा ना तो मैंने बुलबुले में दूसरी खूबसूरत कास्ट कर लेनी है और तेरा कैरेक्टर कट करूंगा मैं। ठीक है, बात हुई नबील भाई, ये तो चीटिंग है ना। राना बताओ यार, मैं स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ ना बीच में, मतलब ये कोई पर्सनल बात तो नहीं कर रहा हूँ मैं। नहीं नहीं भाई, मैं स्क्रिप्ट की बात कर रहा हूँ, क्या हो गया तुझे। स्क्रिप्ट में यही लिखा हुआ है, यही करना पड़ेगा, तू सोच ले अब। नहीं, मैं अपनी शहजादी नीलम को किसी सूरत नहीं छोड़ूंगा। मैं कोकाफ में बुलबुले सीजन 3 शुरू करूंगा, जो सिर्फ वहीं चलेगा और तुमसे ज्यादा रेटिंग लाएगा। मैं केस करूंगा तुझ पर, मैं तुझे लीगल नोटिस भेजूंगा। केस करोगे तो नोटिस कहाँ भेजोगे। जानू, तुम्हें तुम्हारे पापा जी की कसम है यार, मुझे माफ कर दो, मुझ पे रहम करो जानू, प्लीज यार। अगर तुम कहोगी ना तो मैं तुम्हारे नाम का टैटू अपने माथे पे बनवा लूंगा। अरे खूबसूरत, माफ कर दो ना।
देखो बेचारा रो रहा है तकरीबन। हाँ यार सच मुझ रो रहा हूँ मैं। खबरदार पुत्र, जो तूने इन दोनों में से किसी को माफ किया हो मेरी रानी। बड़ा जुल्म किया इन जालिमों ने इस बच्ची पे। दो हटे कटे मर्द घर में बैठे और मेरी नाजक सी बच्ची अपने पापे से पैसे मंगा मंगा के तो गुजारे कर रही है लानी। ओ माँ जी, ओवर एक्टिंग ना करे। ओके। अरे मोमो, अब यहाँ नबील को खूबसूरत से माफी दिलवाने आए हैं यार। देखो खूबसूरत, आज के बाद तुम जो नबील को कहोगी ना, ये वो ही करेगा। बस तुम इसे माफ कर दो। जानू महमूद साहब ठीक कह रहे हैं यार, मैं और महमूद साहब कल से ही नौकरी ढूंढने जाएंगे यार। क्यों भाई? आपके तो वो भी जाएंगे इशफाक। महमूद, आपके तो महमूद भी जाएंगे। चले माफी मांगे मेरी बेटी से। अरे तो तुम भी तो माफी मांगो ना, तुमने कम परेशान किया खूबसूरत को। माफ कर दो जानू। खूबसूरत, प्यारी सी खूबसूरत, हमें माफ कर दो। माफ कर दे मेरी बेटी, माफ कर दे। ठीक है, अगर आप लोग खुद को बदलने के लिए तैयार हैं, तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी। थैंक यू जानू, थैंक यू। लेकिन वो काफूर जिन हमें कहीं जिंदा ना निकल जाए। ओहो, मैं हैंडल कर लूंगी उसे। आए मेरे साथ। चलो बात से बात करो जानू, से बात करो उससे। तो बुलाओ ना काफूर को, अभी बात कर लेते हैं। यार मैं मुंसा, मुझे क्या पता आपने कौन सा मुझे पकड़ाया था यार। आप बुलाए, आप बुलाए। मैं बुला लेता हूँ, ऐसी क्या बात है। अबे ओए काफूर, बेटा काफूर। चलो शहजादी नीलम, सबको बाय बाय कर दो। अब इसकी जरूरत नहीं है, मैं कहीं नहीं जा रही। मैं क्यों नहीं जा रही? मैंने तो कफूर से करके एडवांस की भी बात करनी थी। मेरी जानू ना मुझे छोड़कर जा ही नहीं सकती। ये क्या बकवास कर रहा है नीलम? देखो काफूर, तुमने मेरी मदद की ताकि मैं इन लोगों की अकल ठिकाने लगा सकूं, लेकिन मुझे बार बार नीलम ना कहा करो प्लीज। अच्छा बच्चू, तू हमें वो बना रही थी, बड़ी मीठनी है तू। अब थैंक यू काफूर, अब तुम जा सकते हो। ऐसे कैसे जा सकते हो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा तुम्हारे बगैर। देखो मैंने पहले ही कहा था ये सब ड्रामा है, सीरियस ना हो आप। लेकिन मैं तो हजारों ख्वाब देख चुका हूँ नीलम, और वैसे भी ये लोग तुम्हें खुश नहीं रखेंगे। जल्दी जल्दी इन सबको बाय बाय करो और निकलो यहाँ से। एक घंटे में हमें चलना है वहां को काफ में। सब तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, 100 हाथी जबा किए हैं बारबेक्यू के लिए। मैंने कहा ना मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। अब की बार मैं इजाजत नहीं लूंगा। तो मोहतरम फिर आप क्या करेंगे? चुटकी बजा के गायब कर दूंगा। बड़ी घटिया प्लानिंग थी जर्मीला तेरी। ओ कफूरिया, इसको कोकाफ ले जा। अच्छा, और वो जो तेरी बीवियां हैं ना जिन्निया, उनकी गुलामी में दे देना इसको। चला चला ले जा। नबील सुना है तुम चाय बहुत अच्छी बनाते हो। जी जी बिल्कुल सही सुना आपने। तो एक देग चढ़ा दो चाय की। हम एक देग चाय की चढ़ाते हैं, आप उड़ के जाइए और 10-15 किलो छोटी इलायची ले आइए। तो मैं फिर इनकार ही समझूं। नबील, महमूद साहब, माँ जी, I'm very sorry, please माफ कर दें, please नबील। Shut up खूबसूरत, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम उस जिन के साथ, चलो कोई इंसान होता तो अलग बात थी, तुम उस जिन के साथ मिलकर हमें बेवकूफ बना रही थी। महमूद साहब प्लीज आप समझाएं ना नबील को। नबील का गुस्सा बिल्कुल ठीक है खूबसूरत। अरे हम तो नौकरी करने पे भी तैयार हो गए थे, हमें क्या पता था कि तुम इतनी झूठी निकलोगी। माँ जी हम सबको तू वो समझती थी, अब जा तू लहाफ में। लहाफ नहीं माँ जी, को काफ। मैं कहीं नहीं जा रही, वो सब एक ड्रामा था नबील, ताकि तुम्हें एहसास हो जाए मेरा और पापा का। प्लीज काफूर को जाने के लिए कौन है नबील? नहीं नहीं नहीं, अब तो तुम खूबसूरत जाओगी और मैं बुलबुले में नहीं खूबसूरत को कास करूंगा। वैसे भी मैं काफी अरसे से चाह रहा था कुछ तरह चेंज आए। नबील तुम बुलबुले से निकाल दोगे मुझे? हाँ, आज से तुम आजाद हो, लेकिन ये जरूर सोच लेना खूबसूरत कि तुम्हारे पापा तुम्हें कोकाफ कैसे मिलने आएंगे। इसका जो कफूर है ना, इसके पापे की भी शादी करा देगा किसी जिन्नी से। हाँ जाओ जाओ, अब रहो वहाँ हंसी खुशी। चलो बाबू, आओ हम चले। यार मुझे भी साथ लेके जाए, मुझे नहीं रहना इस झूठी बीवी के साथ। चलो
चुची बेगम आ रही है, आ रही है, आ रही है। खूबसूरत जी, हो गई तैयारी को काफ जाने की? अगर हमारी जरूरत हो पैकिंग में तो हम हाजिर हैं। मदद पैकिंग में नहीं मुस्तकीम साहब, काफूर को यहाँ से भेजने में चाहिए। मुस्तकीम साहब देखो खूबसूरत, तूने कफूर के साथ साथ मेरा भी बड़ा दिल दुखा है। चंगी भली मेरी उसके साथ डील हो रही थी, क्या जरूरत थी एंड टाइम पे इनकार करने की। वो सब ड्रामा था जोजी आंटी, लेकिन अब वो सीरियस हो गए। प्लीज मुझे बचा ले, मुझे कोकाफ नहीं जाना। लो जी, सच्ची बात तो ये है कि हमें नबील मियां से ज्यादा काफूर जो है वो ही माकूल लगते हैं, और वैसे भी हम कभी कभी आपका महल देखने आ जाया करेंगे। इसका मतलब है आप लोग मेरी मदद नहीं करेंगे? नहीं। ठीक है, मैं भी मर जाऊंगी लेकिन काफूर के साथ नहीं जाऊंगी। मिट्टी जैना होते। नीलम, नीलम उठो, उठो भाई, देर हो रही है। ये बाकी की नींद कोकाफ में जाके, वहां पे 140 मुलाजिम जिन और जिनिया तुम्हारे इंतजार कर रही है। उठ जा, उठ जा, शाबाश, शाबाश, नी नी नीलम उठो। अरे उठ क्यों नहीं रही नीलम? अरे उठो ना, ऐसा मत करो नीलम। शहजाद, शहजाद क्या करो, क्या नबील, महमूद साहब, मामा, 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 मामा जी। अरे नबील की देखो क्या लिखा है, काफूर के साथ कोहे काफ जाने से अच्छा है मैं मर जाऊं, इसीलिए मैंने जहर खा लिया। क्या शहजादी नीलम, ये तुमने क्या किया अपने साथ? ओए कातिल, मेरी बच्ची मार दी तूने, दफा इधर से। अल्लाह की, मेरी खूबसूरत मुझसे सच्ची मोहब्बत करती थी, ये खुद नहीं मरी, काफूर तूने मारा है मेरी खूबसूरत को, तूने मारा है। नबी तुम अभी जाओ, जाके पुलिस को फोन करो। मैं बरसात को फोन करता हूँ। हेलो बरसात। हाँ नबील, बोलो। बरसात, अब मैं क्या बोलूं? अरे वही बोलो ना जो स्क्रिप्ट में लिखा है। बरसात, खूबसूरत मुझे छोड़कर चली गई। अरे ये तो उसे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। अरे यार बरसात, आप समझ नहीं रहे, आप कॉमेडी कर रहे हैं यार। खूबसूरत इस दुनिया से चली गई है यार, आप आए और उसकी मौत के जिम्मेदार को पकड़े यार। वो पहली बार देख रहा हूँ कि जो खुद जिम्मेदार है उसने ही फोन कर लिया। यार बरसात, वो मेरी वजह से नहीं मरी भाई, उसका जो मुजरम है, जो उसका कातिल है, वो यही मौजूद है यार, आके पकड़े उसको। अच्छा अच्छा ठीक है, बस आ रहा हूँ मैं। खबरदार, कोई अपनी जगह से हिला दो। कहाँ है वो मुजरिम जिसकी वजह से इस मासूम ने जान दी है? अरे बाट चढ़भूस, ये तुम्हारे साथ तो खड़ा है। हाँ साहब। मैंने कुछ नहीं किया। और ये कौन है, इसका कैसा अजीब उली है, किसी स्टेट ड्रामे से बुलवाया क्या? जट साहब, ये कफूर जिन है, जिन। क्या वो यार परसों क्या हो गया आपको यार, इतने डरपोक है आप, गिरफ्तार करें इसको, हौसला करें। जिन भाई, अगर बुरा ना माने तो थाने चले। मैं तो शहजादी नीलम से सच्ची मोहब्बत करता था, मुझे क्या पता था ये अपनी जान ले लेगी। चल भाई नबील, अब तू चल थाने। मैं क्यों बरसा, मैंने क्या किया है? और कोई ना कोई मुजरिम तो मैंने पेश करना ही है ना थाने में। चल चल थाने, चल 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 थाने, चल 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 चल। मुलाहिजा फरमाइए, लाश तो जिंदा हो गई। मैं जिंदा ही थी मुस्तकीम साहब। काफूर गायब हो गया खूबसूरत, और नबील को बट साहब अपने साथ ले गए। जी मुझे पता है महमूद साहब, मैं सब सुन रही थी। हाँ हाय, सुन रही थी सब, ते बोली क्यों नहीं? हाँ। क्योंकि इस बार मैंने एक तीर से दो शिकार किए। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं ये बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये बबल। ओ चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये बबल।
चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते।